नक्सलियों के विरुद्ध मुकाबला करने, जवानों को तैयार करने देश के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र जंगल वॉरफेयर कॉलेज कांकेर में इन दिनों प्रदेश और कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में युवा युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 8 महीने से यहां नौजवान प्रशिक्षण में खूब पसीना बहा रहे हैं और खुद को देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। DSP अमर सिंह कुर्रे ने बताया कि यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा मानसिक रूप से युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे इनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा सके। ये प्रशिक्षण देने का उद्देश्य मैंने ये था कि हमने देखा है कि जब मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई जंगलवार में, तो आसपास के बच्चों को देखा कि बहुत बुरी स्थिति थी। गरीबी स्थिति के कारण से कई बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, बहुत सारी कमियाँ थी, टेक्निक्स उनको पता नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इनको प्रशिक्षण दें निःशुल्क, ताकि उनका भविष्य सुधर पाए। तो इसी तारतम्य में जब बस्तर फाइटर जब हुआ था, उस समय हमने काफ़ी सारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया था, जिसमें से एक रिकॉर्ड कह सकते हो 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें थर्ड जेंडर भी थे। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसी से मोटिवेट होकर के फिर से हमने लगातार इस प्रशिक्षण को, इस टेस्ट को बनाए रखा, जिसमें से वर्तमान में भी 4 बच्चों में से लगभग 2 बच्चों का सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ और अभी ये 150 बच्चे हैं, इसमें से काफ़ी सारे निश्चित तौर से चयन होगा। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने बताया कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में रहकर चुनौतियों का सामना करने हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यहाँ के बाद सभी देश सेवा करेंगे। मतलब किस टाइप का करना है, किस टाइप का नहीं करना है, अगर कोई सर होते, मतलब जैसे कि सर लोग हैं अभी मार्गदर्शन देने वाले, तो फिर पता चलता है कि क्या चीज़ करने से कैसे होता है, क्या चीज़ करने से कैसे नहीं होता है। मैं सर अंबिकापुर में वहाँ रहती थी, कॉलेज वहीं पे था, तो वहीं से करती थी, स्टेडियम में वहाँ जाती थी, तो वहाँ सेल्फ होता था, तो उतना अच्छे से नहीं कर पाती थी मैं, और गाइडलाइन भी था नहीं, तो फिर यहाँ पे मेरे भैया बताए, तो फिर मैं यहाँ आ गई। उल्लेखनीय है कि जंगल वॉर कॉलेज ने बस्तर फाइटर के जवानों को भी ट्रेनिंग दी है। यहां से ट्रेनिंग लेकर निकले 22 जवान आज नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने तत्पर हैं।